हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मूलानुपाती सूत्र निकालना सीख लिया था और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अणुसूत्र निकालना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण होता क्या है और कितनी विधियों द्वारा मैं रासायनिक समीकरण द्वारा हम लोग संतुलित कर सकते हैं, इसको इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो यानी कि रसायन की भाषा का पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि आणविक सूत्र होता क्या है। आणविक सूत्र, जो आपका आणविक सूत्र होता है इसको अणुसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। चाहे आपसे एग्जाम में अणुसूत्र पूछे, चाहे आपसे आणविक सूत्र पूछे, दोनों कंडीशन में आपको सेम मेथड फॉलो करना है। तो आणविक सूत्र से आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में डिफिनीशन या फार्मूला नहीं आता है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाते हैं। देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल आपका इस प्रकार से है कि एक यौगिक का सरलतम सूत्र CH2O है। यदि इस यौगिक का अणुभार 180 हो तब इसका आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है C3H6O3, ऑप्शन बी आपका है C4H8O4, ऑप्शन सी आपका है C6H12O6 और ऑप्शन डी आपका है C5H10 और O5। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दे दिया है उसको नोट कर लेंगे। सरलतम सूत्र आपको दे दिया है CH2O, सरलतम सूत्र आपको दे दिया है प्यारे दोस्तों CH2O। ओके, फिर दिया गया है आपको अणुभार 180। अणुभार जो आपको दे दिया गया है वह आपका 180 है और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणुभार दे दिया है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कार्बन का 12 दे रखा है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। आपको इसका आणविक सूत्र ज्ञात करना है। तो प्यारे, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, ये सारी चीजें दे रखा है। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यौगिक का सरलतम सूत्र या मूलानुपाती सूत्र, यौगिक का सरलतम सूत्र, सरलतम सूत्र कहिए या मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र आपको दे रखा है CH2O। ओके, ये तो आपके यौगिक का मूलानुपाती सूत्र दे रखा है CH2O। अब मूलानुपाती सूत्र का मूलानुपाती सूत्र का सूत्रभार निकाल लीजिए। सूत्रभार, तो सूत्रभार निकालेंगे क्या आएगा आपका CH2O का। आपको सूत्रभार निकालना है तो कार्बन का आपका हो जाता है 12, हाइड्रोजन का आपका हो जाएगा 2 × 1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूलानुपाती सूत्रभार कैसे निकाला। इसी का आपको सूत्रभार निकाल लेना है, या कर सकते हैं इसी का आपको अणुभार हो ही मूलानुपाती सूत्रभार हो गया। अब आपको निकालना है यन की वैल्यू। तो यन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यन की वैल्यू निकालने का आपका फार्मूला होता है अणुभार बटे सूत्रभार, या कर सकते हैं अणुभार बटे सरलतम सूत्रभार। तो लिख लेंगे अणुभार बटे सरलतम सूत्रभार, सरलतम सूत्रभार। तो यहां पर आपका अणुभार दे रखा है 180 बटे सरलतम सूत्रभार आपको दे रखा है 30, कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6। अब आपको निकालना है आणविक सूत्र, तो लिखेंगे आणविक सूत्र बराबर हो जाएगा आपका, आणविक सूत्र बराबर हो जाएगा यन गुणे होता है सरलतम सूत्र, तो यन का मान आपका 6 है और सरलतम सूत्र आपका क्या है CH2O। तो 6 का आप CH2O में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा C6H12 और O6। यही आपका आणविक सूत्र हो गया।
तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा उसको आपको नोट कर लेना है। फिर यौगिक का सरलतम सूत्र कहिए या मूलानुपाती सूत्र CH2O दे दिया है। मूलानुपाती सूत्र या मूलानुपाती सूत्र का सरलतम सूत्रभार, मूलानुपाती सूत्र का सरलतम सूत्रभार आपको निकाल लेना है इसी का अनुभार से। तो इसी का अनुभार हम निकाले तो 12 + 2 + 16 यानी 30 मिल गया। अब n की वैल्यू निकाल लेना है। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अनुभार बटे सरलतम सूत्रभार। तो अनुभार आपका 180 दे रखा है और सरलतम सूत्रभार हमने निकाल लिया 30, तो यहां से मिल गया n की वैल्यू 6। अब आपका आणविक सूत्र बराबर होता है n गुणे सरलतम सूत्र। तो n की वैल्यू आपने निकाल लिया 6 गुणे सरलतम सूत्र आपका CH2O है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कार्बन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे C6 हो जाएगा। फिर यही 6 का मल्टीप्लाई H2 में करेंगे तो H12 हो जाएगा। इसी 6 का मल्टीप्लाई O में करेंगे तो O6 हो जाएगा। तो आणविक सूत्र आपका हो जाएगा C6H12O6। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आणविक सूत्र निकालने का, उसके बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। एक यौगिक का प्रतिशत संघटन नीचे दिया गया है। कार्बन की मात्रा 52.17% है, हाइड्रोजन की मात्रा 13.06% है, ऑक्सीजन 34.77% है। यदि यौगिक का अनुभार 46 है तो इसका अणुसूत्र है। तो इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि इसमें आपको जैसे मैंने इसके जस्ट पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें आपको मूलानुपाती सूत्र या कह सकते हैं सरलतम सूत्र दे दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था दो क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो डेटा दिया उसको नोट कर लेते हैं। कार्बन आपको दे दिया है, कार्बन की मात्रा आपको दे दिया है 52.17%। फिर उसके बाद से हाइड्रोजन दे दिया है 13.06%। फिर उसके बाद से आपको ऑक्सीजन दे दिया है 34.77% ए दे रखा है, और आपको इसमें भार भी दे रखा है अणुभार भी। कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, फिर ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा 16। आपको इसका आणविक सूत्र निकालना है। चार ऑप्शन आपको दे दिए हैं, CH3CHO, ऑप्शन बी C2S5OH, और ऑप्शन सी आपका है CH3COOH, और ऑप्शन डी आपका है SCHO। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना पड़ेगा। तो मूलानुपाती सूत्र जब आप निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको अणुसूत्र निकालना होगा। तो सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए एक टेबल ड्रा करना होता है जिसमें आपका तत्व होता है, उसका अनुभार, परसेंटेज मात्रा, परमाणुओं की संख्या, ये सारी चीजें होती हैं। तो ड्रा कर लेते हैं टेबल। इस तरीके से हमने टेबल ड्रा कर लिया। पहला आपका है तत्व कार्बन, दूसरा आपका तत्व है हाइड्रोजन, और तीसरा आपका तत्व है ऑक्सीजन। कार्बन की प्रतिशतता आपको दे दिया है 52.17%, हाइड्रोजन की प्रतिशतता आपको दे दिया है 13.06%, ऑक्सीजन की प्रतिशतता आपको दे दिया है 34.77। ओके, अब परमाणु भार नोट कर लीजिए। कार्बन का परमाणु भार 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। ओके, परमाणुओं की संख्या आप कैसे निकालते हैं? प्रतिशतता में आपको परमाणु भार से भाग देना रहता है तो आपको परमाणुओं की संख्या पता हो जाती है। तो क्या करेंगे, प्रतिशतता में परमाणु भार से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 52.17/12। तो यहाँ पर आप 12 × 48 बचे 6 और 1, तो 12 × 60। ओके, फिर यहाँ पर से क्रिया करना है, प्रतिशतता में परमाणु भार से डिवाइड करेंगे यानी 13.06 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 13.06। फिर सेम क्रिया यहाँ पर भी करना है, 34.77 में 16 से डिवाइड करना है तो 34.77 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 × 32 = 2 और 0,
तो पॉइंट होगा आपका वन हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, सरल अनुपात निकालना है। तो सरल अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, 2.1, तो 2.1 से सबको डिवाइड करेंगे तो 4.5/2.1, फिर यहाँ पर 13.06/2.1, फिर यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 2.1/2.1। करना क्या आपको है, इन तीनों में 4.5, 13.06 और 2.1 में जो सबसे छोटा होगा उसी से आपको डिवाइड कर देना है। तो मैंने कर दिया, यहाँ पर करेंगे तो नियर अबाउट 2 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो 2 × 12 और मान लीजिए यहाँ पर 6 टाइम आएगा, उसके बाद से यहाँ पर करेंगे तो आपका 1 बार में जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो मूलानुपाती सूत्र निकल जाएगा C2H6O। तो मूलानुपाती सूत्र आपको क्या मिल गया, मूलानुपाती सूत्र आपको क्या मिल जाएगा, C2H6O। तो हो जाएगा C2H6O। अब आपको मूलानुपाती सूत्र पता चल गया, अब क्या निकालना है, सरलतम सूत्र बार। तो निकाल लेंगे सरलतम सूत्र बार, सरलतम सूत्र बार। तो सरलतम सूत्र बार क्या होता है, इसी का वेट निकालना होता है, इसी का अनुभार निकालना होता है। तो कार्बन का 2 भाग लिया गया है तो 2×12 प्लस हाइड्रोजन का 6 भाग लिया गया है तो 6×1 लिख लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का 1 भाग है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ओके सॉरी 16 लिख लेंगे। अब जोड़ दीजिए तो 24 + 36 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, 46 हो गया। ओके आपका 46 हो गया। अब आपको एन की वैल्यू निकालना है, तो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको अनुभार में सरलतम सूत्र भार से डिवाइड करना होता है। तो एन बराबर क्या होता है, अनुभार बटे आपका होता है सरलतम सूत्र भार, सरलतम सूत्र भार। तो अनुभार आपका क्वेश्चन में दे रखा है, प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अनुभार आपका क्वेश्चन में दे रखा है 46, तो यहाँ पर अनुभार का मान आप 46 रख देंगे और आपका सरलतम सूत्र भार भी 46 है, तो 46 को 46 से डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको निकालना है आणविक सूत्र, तो आणविक सूत्र बराबर क्या होता है, एन गुणे सरलतम सूत्र, एन की वैल्यू 1 है और सरलतम सूत्र आपका है C2H6O। तो आपका आणविक सूत्र क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, तो हो जाएगा आपका C2H6O। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया आणविक सूत्र C2H6O। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर C2H6O, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपके ऑप्शन में C2H6O नहीं दिया है लेकिन आपको ए दिया है, आपको ऑप्शन में ये दिया है C2H5OH। तो इसको आप काउंट करेंगे तो यही आएगा, देखिएगा C2 है तो C2 लिख दिया और H6 है, तो देखिए यहाँ पर कार हाइड्रोजन 5 और 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गए 1 ऑक्सीजन। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि C2H6 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, C2H6O ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं है। आपको माइंड में सेटअप रखना है कि यहाँ पर कार्बन भी 2 है, यहाँ पर भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 6 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 5 और यहाँ भी 6 है और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो प्यारे दोस्तों रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। रासायनिक समीकरण में एक आपका अभिकारक होता है, दूसरा उत्पाद। इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे 2NaCl+Cl2 रासायनिक अभिक्रिया होने पर आपको 2NaCl मिल जाता है। तो जो आपके रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन से दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, तो Na और Cl, तो ए अभिकारक का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, अभिकारक का। और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत
रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपका उत्पाद बनता है, जो आपका पदार्थ बनता है, उसको हम बोलते हैं उत्पाद। ओके, और ये जो प्लस का चिन्ह होता है दो प्रोडक्टों को आपस में जोड़ने के लिए होता है, तीर का साइन उत्पाद की तरह होता है। ओके, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो रासायनिक समीकरण में जो आपके पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो आपका प्रोडक्ट बनता है, जो आपका पदार्थ बनता है, उसको हम बोलते हैं उत्पाद। जो तीर का सिंबल होता है उत्पाद की तरफ, और दो पदार्थ को जोड़ने के लिए प्लस का उपयोग करते हैं। ये आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में आएगा नहीं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, लेकिन आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आपको इस रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना है, तो रासायनिक को समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको अभिकारक की तरफ परमाणुओं की संख्या उत्पाद की तरफ के परमाणुओं की संख्या के बराबर करना होता है। या याद कर सकते हैं साधारण भाषा में, लेफ्ट साइड में परमाणुओं की संख्या राइट साइड में परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाए तत्वों का, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम आरोही क्रम में देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि किस तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे कम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे कम परमाणु संख्या किसका है, बेरिलियम का। तो यहाँ पर आप बेरिलियम को देखेंगे दोनों साइड कि हमारा लेफ्ट साइड बेरिलियम के परमाणु संख्या, राइट साइड बेरिलियम के परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बेरिलियम की परमाणु संख्या एक है और यहाँ पर भी बेरिलियम की परमाणु संख्या एक है। इस तरीके से बेरिलियम तो आपका संतुलित है। अब सेकेंड पॉइंट आता है सल्फर का। सल्फर का लेफ्ट साइड आपके परमाणु संख्या एक है और राइट साइड भी सल्फर के परमाणु संख्या एक ही है। इस तरीके से आपका सल्फर भी संतुलित है। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या लेफ्ट साइड भी दो है, लेकिन आप राइट साइड देखेंगे तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या केवल एक है। यानी आपके हाइड्रोजन की परमाणु संख्या दोनों साइड इक्वल नहीं है, दोनों साइड बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर दो लगा दिया। अब चेक कीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु संख्या दो हो गई और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या दो हो गई, तो ये आपका हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब चेक करेंगे क्लोरीन का। तो क्लोरीन में यहाँ पर क्लोरीन के परमाणु संख्या लेफ्ट साइड भी दो है और राइट साइड भी देखेंगे तो क्लोरीन के परमाणु संख्या दो है। तो इस तरीके से आपका क्लोरीन भी संतुलित हो गया। अब लास्ट आपका बचता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या लेफ्ट साइड चार है और राइट साइड भी देखेंगे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या चार ही है। इस तरीके से आपका ऑक्सीजन भी संतुलित है। इस तरीके से आपने इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया। एक एग्जांपल मैं और आपको बता देता हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। इस तरीके से आपका सेकेंड एग्जांपल मैंने ले लिया, इस रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना है। तो सबसे पहले सेम प्रोसीजर अपनाना है कि आपको आरोही क्रम में चलना है और देखना है कि किस तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम के परमाणु की संख्या, इस साइड आप देखेंगे तो एक है लेकिन इस साइड आपके सोडियम के परमाणु की संख्या दो है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने दो लगा लिया। अब चेक करते हैं तो सोडियम के परमाणु की संख्या आपका लेफ्ट साइड दो है और राइट साइड भी आपके सोडियम के परमाणु संख्या दो है। इस तरीके से आपका सोडियम जो है वो संतुलित हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन से पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन का, क्योंकि आरोही क्रम में देखेंगे तो आपका हाइड्रोजन सेकेंड स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड या कह सकते हैं अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन के परमाणु संख्या दो और दो चार है, लेकिन राइट साइड आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या केवल और केवल दो है। तो दोनों साइड संतुलित करने के लिए मैंने यहाँ दो बढ़ा दिया। अब चेक कीजिए, इस साइड आपके हाइड्रोजन की परमाणु संख्या चार है और इस साइड भी आपके हाइड्रोजन की परमाणु संख्या चार ही है। इस तरह आपने हाइड्रोजन को भी संतुलित कर लिया। अब बात आती है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या लेफ्ट साइड दो इधर है और चार इधर छह, यानी लेफ्ट साइड आपके ऑक्सीजन के परमाणु संख्या छह है और राइट साइड आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या चार और दो छह, यानी आपका ऑक्सीजन का परमाणु भी संतुलित हो गया। इस तरीके से आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया। इस तरीके से प्यारे दोस्तों
आशा करते हैं आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया। अब रासायनिक समीकरण संतुलित करने के दो तीन नियम है। पहला आपका है संयोजकता विधि और दूसरा होता है आयन विधि। तो जो आपका संयोजकता विधि होता है, इससे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, और जो आपका आयन विधि होता है, इससे कभी काल पूछ लिए जाते हैं। तो हम आपको वो विधि बता देते हैं, आयनिक समीकरण विधि। आयनिक समीकरण विधि से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको आयनिक समीकरणों को संतुलित करना होता है। जो भी आपके आयनिक समीकरण दिए रहेंगे उसको आपको संतुलित करना रहता है, फिर उनको आपस में जोड़ दिया जाता है तो आपको एक रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे आपका एग्जांपल दे दिया है K2SO4, फिर उसके बाद से आपका 2K+ SO4 पर माइनस का 2, फिर आपका दे दिया है BACL2, ओके। उसके बाद से आपका दे दिया है BA पर प्लस 2, फिर प्लस 2Cl पर माइनस, ये आपका दे दिया है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको आयनिक समीकरणों को संतुलित कर लेना है, फिर आपस में जोड़ देना है। तो देखते हैं, यहाँ पर 2K, यहाँ पर 2K, SO4 SO4, BA BA, Cl2 Cl2, तो यानी आपका आयनिक समीकरण संतुलित है। अब इनको आपस में जोड़ लेना है, तो जोड़ देते हैं। तो जोड़ना कैसे है, K2SO4 BaCl2, तो हो जाएगा आपका K2SO4 प्लस का BaCl2, फिर उसके बाद से आपका हो जाएगा यहाँ पर जो पोटेशियम है उसके साथ Cl आएगा, तो हो जाएगा आपका 2KCl। ऐसा इसलिए होता है कि A प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में, जैसा कि आप वैद्युत संयोजकता में पढ़े भी होंगे कि कैसे वैद्युत संयोजकता को संतुलित करते हैं, तो उसी पे काम कर रहा है। तो 2KCl के साथ चला आता है और BaSO4 के साथ चला जाता है, तो BaSO4। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, तो आपस में कंबाइन करके BaSO4 बना लिया। यहाँ प्लस 1 है और यहाँ माइनस 1 है, तो आपस में संयोग करके 2KCl बना लिया। तो इस तरीके से आपका आयनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपकी रसायन की भाषा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यदि आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग या पिछली जो भी चैप्टर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ाया गया हो, किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक नया वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन की, हरियंत पब्लिकेशन की बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाऊंगा 1x1 करके। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।